आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दीगर समाजी तंजीम साफको ग्रीन वर्कर फाउंडेशन RDSH के तआवुन से चाइल्ड गर्ल के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें सलमान जी अबड़ो, डॉक्टर शौकत इब्राहिम अबड़ो, अनीसा वलीउल्लाह, मारवी एवान, डॉक्टर समीर अली, सना सिद्दीकी, नाजिश फातमा, डॉक्टर सईद अब्बासी शरीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाऊँ, मेरा नाम नाजिश फातमा है, एक्टिव वुमेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ, IHRO कोऑर्डिनेटर सिंध वो भी हूँ, और उसके अलावा PTI हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो गर्ल्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है साफको की ऑफिस में, तो देखिए जैसे कि हर साल हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आज के दिन पे मैं ये मैसेज करना चाहती हूँ अपने अदलिया को, अपनी सोसाइटी को और हमारे जो आला क़यादत है और हमारे PM पाकिस्तान सबको, कि दिन हम लोग मनाते हैं लेकिन अफसोस ये है कि जो हमारी बच्चियों के साथ रेप्स होते हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, तो आज के दिन पे मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, जो लोग मुजरिम होते हैं उनको सज़ाएं दी जाए। उसके अलावा मैं ये पेरेंट्स के लिए मैसेज दूंगी कि अपनी बच्चियों को तालीम दें, तालीम जो है वो होगी उनके पास तो वो दुनिया में किसी भी तूफ़ान से लड़ सकती हैं। थैंक यू। रहमान रहीम, अनीसा सिद्दीकी, सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमन विंग रीजन हैदराबाद, सफ़ीर बराए इंसानी हुकूक। आज जो कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे है और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जो इदारे हैं स्पेशली NGOs, वो वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पे हमारी एक NGO की तरफ से इंटरनेशनल गर्ल्स डे साफको ऑफिस हैदराबाद में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात मौजूद हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी HP न्यूज़ की तरफ से कि वुमन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है, औरतों के हकूक़, उनकी आगाही, और उसके लिए जो भी इदारे काम कर रहे हैं, हमें मिलजुल कर सबको ऑन बोर्ड लेकर औरतों के हकूक को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए यकजा काविशें करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। दो अल्फाज HP लाइव टीवी के लिए, वो तो नहीं रहे। ये बताएं कि HP लाइव टीवी ने लोगों को जागरूक कितना कर दिया और कितना फेंक। मैं समझती हूँ कि HP लाइव टीवी जो है वो हैदराबाद की अवाम के हकूक की सही तर्जुमानी कर रही है, और इसके साथ साथ मैं इनको खराज तहसीन पेश करूंगी कि जो भी मसला होता है हैदराबाद की अवाम को, ये उसमें हमेशा आगे रहते हैं और अवाम की आवाज़ बनते हैं। सो आप सब लोगों को जो है वो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना खानजादा है। मैं वैसे वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट में एज अ सोशल इंजीनियर स्पेशलिस्ट अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। उसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। आज के इंटरनेशनल गर्ल्स डे के हवाले से मैं, क्योंकि देखिए इशूज़ तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सब भी जानते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो है ना ये एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी तमाम सुनने वालों को कि हमें बच्चियों की एजुकेशन पर काम करना है, हमें उनकी एम्पावरमेंट पर काम करना है। और ये सब चीज़ें सिर्फ ये ना कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ये फैमिली की भी ज़िम्मेदारी है। बहुत से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल है अगर पावर्टी का इशू है, क्योंकि हमारे बच्चों में गट्स हैं। अगर हम दुनिया को देखें, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हम पाकिस्तान की जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। स्पेशली अगर सिंध की बात की जाए तो लिटरेसी रेट बिल्कुल लो है। हम बच्चियों को तालीम तो दिलवा देते हैं प्राइवेट इदारों से, उनकी वो स्किल्स, वो उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आगे जाकर मर्दों की शाना बशाना काम कर सके, क्योंकि कॉम्पिटिशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। उनकी अवेयरनेस उन चीज़ों पर, उनके स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हायर एजुकेशन की तरफ फोकस करें, बच्चों को एम्पावर करें, उनका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज़ करें कि बच्चे बाहर रागिब होने से पहले अगर खुदा खास तक कोई गलती हो भी जाती है तो वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, ना कि ये कि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आगे निकल जाती हैं और वो बच्चों
क्योंकि देख रहे हैं आप आजकल जो है ना वो सुसाइड रेशो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो यही है कि हमारा ट्रस्ट लेवल हट गया है क्योंकि हम मोबाइल्स में इतने ज़्यादा इंगेज हो गए, पेरेंट्स भी और बच्चियाँ भी, कि हम अभी जो है ना आपस में एक दूसरे से दूर हो गए, तो हमें दोबारा से कनेक्टिव होने की ज़रूरत है। अगेन यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन और उनके स्किल्स पर फोकस करें, उनको एक्सपोयर दें और इनकी एम्पावरमेंट पर काम करें। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी आपकी। हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो जो जितनी भी गर्ल्स हैं हमारे पास, जो उनके क्या राइट्स हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, अर्ली चाइल्ड मैरिजेज हैं, और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम बेस्ड डिफरेंस भी कहते हैं, उस पर हम जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम किया है। और ये जो 1995 में एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में, वहाँ पर कुछ लड़कियों ने एजिटेट किया था कि ये जो प्रोग्राम ओनली जो वुमेन्स के लिए क्यों, गर्ल्स के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि गर्ल्स को ही जो आगे बढ़ के वीमेन होना है, अ गर्ल हैज़ टू ग्रो इनटू अ वीमेन। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो गर्ल्स का जो है, अगर हम नर्सरी अच्छी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक फर्द मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, अगर एक लड़की पढ़ेगी तो वो पूरा घर पढ़ेगा, तो इसलिए हम ये पूरे उसको दावा देते हैं। डॉक्टर सईद अब्बासी ही जो को प्रोग्राम है वो आए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफा इंटरनेशनल गर्ल्स डे मल्हायूं पिया। इन डी के मल्हाण जो मतलब यो है तो असा वट जो नौजवान जी छोकरियों आन बार उन तालीम तमाम घट है, तकरीबन को 80% के लगभग जो है उ असा बार तालीम का महरूम आन। असं चाहूँ था बार जैसे कें भी मुल्क जो हो सूबे जो हो शहर जो हो जैसे बार पढ़ल है तो वो बार सुबाने जाहिर है वो औरत में जो सो कन्वर्ट थे तो औरत जो है वह घर के सजे माहौल के सुधारे थी। अस चाहूँ था ही नंढा बार जो औरतू जो उन्होंने असं छो न यो बुदायूं तालीम जो है उन्होंने जेवर है, ये तालीम हासिल कन, तालीम हासिल कर मुल्क भी तरक्की करे तो उन सा गड़ो गड सूबाई सतह से या उनका हेठी सतह से जका उनको रोल है सोसाइटी में वो तमाम सुठो बिहे तो ही जो GDF एक प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू असं कोशिश क्यों पा बेहतरी दा वो इंशाल्लाह अस उम्मीद है तो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू अस तमाम सुठो उ शूँ जी नेशनल लेवल से मुल्की सालिमियत के हवाले से भी बेहतर होजन तो उनके असं गड खी हलूँ। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वासिफ पहमर है और आज का जो दिन है GDF हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल गर्ल्स डे। अच्छा, इस दिन के हवाले से हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी यूथ को, हमारी जो गर्ल्स हैं, यूथ हैं, जो हमारी लेडीज़ वर्कर हैं, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम कर रही हैं, चाहे वो हमारी ख़वातीन पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो हमारी ख़वातीन एडवोकेट्स हों, या ज़िंदगी के जिस शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे वो एक गांव देहात में औरत है, वो एक काम कर रही है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, तो बेसिकली उनको अवेयरनेस देने के हवाले से हमने जिस GDF के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में औरत की अहमियत है, उसके किरदार की अहमियत है। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो उसके बच्चों का शऊर भी उसी मुनासिबत से डेवलप होता है। तो हम सब मिलकर, हमारी टीम और हमारे आज के रिस्पेक्टेबल मेंबर्स, हम सब इस पर डिबेट करेंगे, उनके तासरात लेंगे, उनके कमेंट्स लेंगे, ताकि ये मैसेज हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे कर सकें अपने ऑडियंस को, न्यूज़पेपर के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, जो कि आजकल मीडिया का दौर है। तो बेस्ट ऑफ लक, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करें। HP लाइव टीवी के बारे में बताएं कि कितना लोग इसको पसंद करते हैं और आप बताएं। जी, HP लाइव टीवी के बारे में हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जब वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला ने HP टीवी को नवाज़ा है और उनकी जो एफ़र्ट्स हैं, जो रात दिन वो काम कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ पर भी हों, लेकिन उनकी जो कवरेज है हमने देखी है, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे उनके यूट्यूब पर हो, तो हमारी ये विश है, हम उनको बेस्ट विशेज़ के साथ हम ये कहेंगे कि HP लाइव टीवी आगे जाए और अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे। घर पर हम 6 भाई हैं और 4 सिस्टर्स हैं, तो मेरी जो बड़ी बहन है उसने मुझे शुरू से लेकर पाला है, तो अब जिसने मुझे पाला है
वो इस वक्त मुझे कहती है कि मेरे घर पर मेरे शोहर नहीं है, आप आकर हमारे घर में रहो। यानी कि मैं उसकी हिफाजत करूं जिसने मुझे पाला है, पोसा है। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा, जो इनसिक्योरिटी उनके जहन में है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, ना सिर्फ जो है वो फीमेल के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी होने चाहिए, ताकि उनका जो है जहन चेंज हो सके और माइंडसेट चेंज हो सके। थैंक यू वेरी मच। मकबूल मल्ला मेरा नाम है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। असल में आज का जो प्रोग्राम है वो गर्ल्स इंटरनेशनल डे है। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोगों बच्चियों को, क्योंकि अगर जब तक वो खुद वो अर्निंग का जो उनका सिस्टम नहीं होगा, जब वो डिसीशन पावर जो है वो अगर सिर्फ मर्दों के पास होगा तो यकीनन वो तरक्की कर नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमें चाहिए नहीं सिर्फ हम उनको अच्छी तालीम दें, लेकिन उनको हम हुनर भी दें, क्योंकि हुनर जब होगा उनके पास अच्छी तालीम होगी तो यकीनन वो उनके पास जो है वो फैसला साजी का भी एक हक होगा। और जब फैसला साजी में वो शामिल होंगे, अपने हुकूक की वो खुद फैसला करेंगे, तो यकीनन वो तरक्की भी करेंगे और समाज भी तब्दील। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।